नमस्कार, आप देख रहे हैं ई पेपर इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जमशेदपुर के सड़क मार्ग के रास्ते मछली लदे पिकअप वाहन से मानगो पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले संको साई रोड नंबर 1 निवासी सनातन गोरायर झाटग्राम के बिनपुर थाना क्षेत्र निवासी संजय कोटार को गिरफ्तार किया था। करीब 6:15 बजे सूचना में गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग झाटग्राम से अवैध ब्राउन शुगर को लेकर यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। उसमें सटीक सूचना मिला था कि कौन से गाड़ी से माल लिया जा रहा है और कौन कौन शामिल है, तो इसी में DSP वंश साहब के नेतृत्व में एक छापामारी दल बनाया गया था जिसमें इंस्पेक्टर साहब भी शामिल थे और अन्य यहाँ के इंस्पेक्टर। तो उसी में प्राप्त सूचना अनुसार वहाँ पे दलमा चौक में मानव चौक जाके हम जैसे ही ये छापा मारे तो उसी का बुरे का पिकअप ट्रक था, वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन का नंबर था। जो हमें सूचना मिला था वही गाड़ी थी वहाँ पे सफेद रंग, तो उसमें जैसे ही छापा मारे और वहाँ पे हम सर्च किए तो उसमें जो दो लोग थे, एक झाड़ग्राम का रहने वाला था और एक ये का लोकल था, तो दोनों से करीब 100 पुड़िया ब्राउन शुगर हमें मिला। और इसके अलावा गाड़ी का जब तराशी लिया गया तो उसमें भी करीब 120 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला था। तो इसमें पता चला कि झाड़ग्राम से ये लोग ले आते हैं और ला के बहुत अच्छे से करीब बिक्री करते हैं। तो इस पर सटीक सूचना मिला तो खिलाफ कार्रवाई की गई। इसका मार्केट वैल्यू करीब 80,000 होगा और सबको दोनों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, आगे फिर विधिवत कार्रवाई की जाए। सर, किसको लाकर ये ब्राउन शुगर देता था यहाँ पर, ये अभी पूछताछ में कुछ लोगों का नाम आया है, लेकिन क्योंकि ये मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है हम नाम अभी किसी का रिवील नहीं करेंगे। जब बाकी लोगों को पकड़ते हैं और उनके खिलाफ सबूत मिलता है तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी और आपको अपडेट किया जाएगा। इसके जरिए धंधा रुकेगा ये ब्राउन शुगर का जिस तरह से बढ़ा हुआ है? ये एक आदमी नहीं है जो ब्राउन शुगर का कारोबार कर रहा है, इसके अलावा और भी पार्टी हैं। जैसे ही सूचना मिलता है घर के आदमी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी थोड़ा बहुत इनका नुकसान हुआ होगा तो उसकी मैं दूसरी हद तक कारोबार कम हो सकता है, लेकिन एक आदमी के पकड़ाने से बंद हो सकता है ये हम नहीं बता पाएंगे। पुलिस तो दिन भर 24 घंटा आपके सेवा में लगा हुआ है और जैसे ही सूचना मिलता है, सटीक सूचना मिलता है, तुरंत आप चाहे रात को 2 बजे हो या सुबह दिन का 10 बजे हो, 24 घंटा पुलिस आपकी सेवा में तैनात है। ये क्योंकि सिर्फ पुलिस के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक सोशल इविल है। हम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ भी अगर आपको सूचना मिलता है तो आप तुरंत पब्लिक को पुलिस को इन्फॉर्म करें। आपको आइडेंटिटी गुप्त रखा जाएगा, कभी ये ना सोचें कि कम हमारा नाम बाहर आ जाएगा, लेकिन जब तक पब्लिक प्रोएक्टिवली आके काम आगे बढ़ के नहीं सूचना देंगे तो उस हद तक रोका नहीं जा सकता जितना हम चाहते हैं। पुलिस का अपना इन्फॉर्मर नेटवर्क है, हम काम करते हैं और हम रोकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर पब्लिक भी पुलिस के साथ दे तो बहुत ही बड़े लेवल पर काम हो सकता है और ब्राउन शुगर को एकदम खत्म ही कर सकते। इसमें भी इसका भी सूचना कोई आम आदमी ही दिया? सर, आदित्यपुर फेमस था ब्राउन शुगर के मामले में, अब झाड़ग्राम दूसरे अन्य जगह से भी आ रहे हैं। अब आदित्यपुर ब्राउन शुगर के यूसेज के लिए फेमस था, वो बाहर से जहाँ से भी आता था वहाँ पे बिक्री होता था। ई पेपर इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।